ये है एशिया, जिसमें आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली कंट्रीज शामिल हैं। यह है इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, यूएई, थाईलैंड, जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया। दोस्तों, पिछले कई दशकों से ये विकासशील देश अमीर बनने के लिए एक ही फॉर्मूले पर काम करते आ रहे थे। दरअसल ये लोगों को एग्रीकल्चर के काम से हटाकर कारखानों में लगाते, जहां उनको ज्यादा सैलरी वाली जॉब दी जाती थी। ज्यादा सामान बनता तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाते थे, जिससे इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी। ये फॉर्मूला काफी हद तक कारगर भी साबित हुआ, जैसे पहले दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों ने इसमें काफी बढ़िया ग्रोथ हासिल की। यहाँ तक कि चीन ने तो इस फॉर्मूले से 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एक समय वो भी था जब चाइना की ग्रोथ के आगे दुनिया की रफ्तार फीकी पड़ गई थी। दुनिया भर के बाजार चीन के सामानों से भरे पड़े थे और ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और वो स्ट्रेटजी भी अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, आज फैक्ट्रीज में लोगों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। पहले तो कोविड-19 आ गया और उसके बाद भी चीन की इकोनॉमी पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाई है। पिछले साल चाइना की इकोनॉमी 3% की ग्रोथ से बढ़ी है, जो 10 सालों में सबसे कम है। इसका एक्सपोर्ट भी डाउन चला गया है, उसकी सर्विस पीएमआई भी 8 महीने के लोवेस्ट पर चल रही है। वहीं इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि चीन की इकोनॉमी ग्रोथ 2030 में 3.5% ही रह जाएगी। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज है ना, वो चाइना के अंदर अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। कारण ये है कि उनका चाइनीज गवर्नमेंट से विश्वास उठ चुका है। कंपनी जब भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो केवल चीन के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना चाहती, बल्कि एक से अधिक देशों में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन कहाँ? तो ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड। ये चारों पांचों कंट्रीज ग्लोबल कंपनीज को अपने अपने देश में लाने के लिए अट्रैक्ट करने में लगी हुई है, लेकिन तगड़ा कॉम्पिटिशन इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच चल रहा है। फिलहाल तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वियतनाम ने हासिल किया है। 2022 में इसने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है। इनमें कई बड़ी कंपनियां शामिल थी, जैसे कि सैमसंग, एलजी, इंटेल, फॉक्सकॉन आदि। इसका कारण है कि वियतनाम और चाइना का बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, तो इससे दोनों देशों के बीच आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कई मामलों में इसकी लेबर कॉस्ट भी कम है, साथ ही यंग और ग्रोइंग वर्कफोर्स भी है। इसने भले ही अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर के समय सबसे ज्यादा फायदा उठाया हो, लेकिन लंबी दौड़ में वियतनाम नहीं टिक पाएगा, इसलिए असली कंपटीशन शुरू हो जाता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। दोस्तों, इंडोनेशिया भी भारत के जैसे यूरोप का गुलाम रहा है और भारत की आजादी से 2 साल पहले ही आजाद हुआ है। दोनों ही देश आज टॉप 10 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों ही देश ग्लोबल कंपनीज के पसंदीदा विकल्प के तौर पर भी उभर रहे हैं। IMF का भी अनुमान है कि अगले 5 सालों में G20 देशों में भारत और इंडोनेशिया सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्रीज होंगी। फिलहाल में तो भारत की ग्रोथ रेट 7% के आसपास चल रही है और इंडोनेशिया की 5.5%। स्ट्रेटेजिक रूप से देखें तो दोनों देश ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स के सेंटर में स्थित है, यानी ये दुनिया के ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट दोनों को जोड़ते हैं। भारत वेस्टर्न की साइड से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जुड़ता है, जबकि इंडोनेशिया ईस्टर्न पार्ट की ओर से ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और ओशेनिया से जुड़ता है। और यहीं पर ही स्थित है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो ईस्ट और वेस्ट एशिया को जोड़ने का मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है। ये रूट भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, चाइना, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, इंडोनेशिया और इंडिया में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडा और भारत के PM है नरेंद्र मोदी। खास बात यह है कि दोनों ही लीडर्स एक साथ 2014 में इलेक्शन जीतकर पहली बार अपने देश को लीड कर रहे हैं। दोनों की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भी लोकल लेवल पर ही हुई थी और अब 2024 में दोनों ही इलेक्शन को फेस करने वाले हैं। भारत की आबादी 142 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया में नंबर 1 पर है। वही इंडोनेशिया 28 करोड़ की आबादी के साथ नंबर 4 पर है। भारत की औसत आयु 28 साल की है, इसका मतलब आधी आबादी युवा है, और इंडोनेशिया की ये 30 साल है, यानी कि दोनों की ही चीन से बेहतर है, क्योंकि चीन की युवा आबादी बूढ़ी हो रही है और उसकी औसत आयु 37 वर्ष तक पहुंच चुकी है। दोनों ही देशों ने पिछले दशक में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। भारत की GDP में 71% और इंडोनेशिया की GDP में 52% की ग्रोथ हुई है।
आज भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं इंडोनेशिया की जीडीपी 1.39 ट्रिलियन डॉलर की है। इंडोनेशिया की प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 लाख रुपए है और इस मामले में भारत काफी पीछे है, हमारी यहाँ की लगभग इससे आधी ही है। दोस्तों, कोई भी ग्लोबल कंपनी जब किसी देश में निवेश करती है तो वो 5 जरूरी चीजों को देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लीडिंग एक्सपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और वहाँ का जियोपॉलिटिकल स्टैंड से। तो सबसे पहले दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिर कौन देश इसमें आगे है, ताकि ग्लोबल कंपनीज किस देश को ज्यादा चूज करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि उस देश में रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक सेवाओं में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट को मापने का आसान सा तरीका है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 2012 में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडोनेशिया 155 देशों में से 113वें स्थान पर था, लेकिन 2022 तक उसकी रैंकिंग 46 पर आ चुकी है। पिछले 10 सालों में इंडोनेशिया ने $400 बिलियन 2000 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में खर्च किए हैं। पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो 10,000 किलोमीटर नई रोड्स, 40 एयरपोर्ट और 100 से अधिक नए पावर प्लांट्स इंडोनेशिया ने बनाए हैं। अब अगर भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें तो ये रैंकिंग 44 पर आ चुकी है। भारत में पिछले 10 सालों में 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं, 50,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है और 7 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, जिसमें एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम और दूसरा नेशनल पेमेंट सिस्टम, जिसे हमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI भी कहते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के पास ज्यादा लार्जर और रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड स्पेस प्रोग्राम से। दोस्तों, एक बेहतर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि भारत में एप्पल के 11 सप्लायर्स हैं, वहीं इसी साल एप्पल ने भारत में अपना स्टोर भी खोल दिया है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। 1980 और 1990 के समय में दोनों देशों ने मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया प्रोग्रेस की है, लेकिन उसके बाद के समय में पॉलिटिकल और आर्थिक उथल पुथल के चलते इसमें लगातार गिरावट आई है। साथ ही लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते वियतनाम जैसे देशों से कॉम्पिटिशन बढ़ा है, लेकिन फिलहाल में ग्लोबल कंपनीज एशिया में नया मार्केट तलाश रही है, तो दोनों ही देशों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोनों ही देश मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स, ये वो सेक्टर हैं जिस पर दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर की। भारत दुनिया में 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 2022-23 में इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट $776 बिलियन का था, जो अब तक का सबसे हाई है। भारत का टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर लीडिंग एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है, जो इसे दुनिया में 5th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बनाता है। अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स, मोबाइल डेटा और नेशनल टेक्नोलॉजी स्टैक की वजह से भारत ने कई स्टार्टअप्स खड़े किए हैं। भारत ने 108 यूनिकॉर्न खड़े किए हैं, जो अमेरिका और चीन के बाद सेकंड नंबर पर है। वहीं इंडोनेशिया 12 से भी कम यूनिकॉर्न खड़े कर पाया है। दूसरी बात की ग्लोबल लेवल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की शॉर्टेज चल रही है, जिसे भारत पूरी कर रहा है। दूसरी ओर अगर इंडोनेशिया को देखें तो उसके एक्सपोर्ट नेचुरल रिसोर्सेज के कच्चे माल पर ज्यादा डिपेंड है, जैसे कि कोयला, पाम ऑयल, आयरन, स्टील और निकल। ये दुनिया का सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल भंडार भी है और उम्मीद है कि बैटरी और ग्रिड में इस्तेमाल होने वाली ग्रीन कमोडिटीज में ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा। इन कमोडिटीज से इंडोनेशिया को बड़े लेवल पर विदेशी आय होती है, ये इसकी जीडीपी में 22% का हिस्सा देती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। दोनों ही देशों की सरकारें ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा मिल सके। भारत को देखें तो भारत की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फोकस वन नेशन वन स्टैंडर्ड, हर जिले में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और अर्बन एरियाज में स्टार्टअप इनोवेशन जोन बनाना, और सबसे बड़ी बात की देश के कुछ स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स को प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स के तौर पर खड़ा करना है। वहीं इंडोनेशिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डाउन स्ट्रीमिंग कहा जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस करती है। इंडोनेशिया अपने कच्चे माल को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करता है, ताकि विदेशी कंपनियां उसके देश के अंदर आकर ही अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। जैसे कि 2014 में इसने ईवी बैटरीज में काम में आने वाले निकल पर बैन लगा दिया था, और इसका फायदा यह हुआ कि 2020 तक लगभग 13 निकल रिफाइनरीज उसके देश में ही लग चुकी थी। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की।
दोस्तों इंडोनेशिया ने चाइना और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करके रखा हुआ है, लेकिन आज के समय में देखें तो चाइना ने इंडोनेशिया में अमेरिका से 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडोनेशिया के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए चीन ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर कभी चाइना की कंपनीज पर बैन लगता है तो आप यकीन मानिए कि इससे इंडोनेशिया को भी काफी नुकसान होगा। वहीं भारत को देखें तो भारत की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। LAC पर दोनों देशों के बीच विवाद चलता रहता है। अगर बॉर्डर पर कभी कोई क्लेश होता है तो इसका प्रभाव इकोनॉमी पर भी पड़ता है। वैसे अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर में भारत को बड़ा अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि अमेरिका चीन को नई ताकत के रूप में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो खुद ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट चाहता है। फिलहाल इंडिया की इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी वेस्टर्न कंपनीज को भारत में लाने की है। दोस्तों इंडोनेशिया और इंडिया दोनों ही देशों में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सेम ही है, जिनमें सबसे बड़ी है करप्शन और पॉलिटिक्स में परिवारवाद। जिस देश में भाई भतीजावाद की राजनीति रहती है वहां अक्सर गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और परमिट्स होते हैं वो उनके रिलेटिव्स को ही मिलते हैं। इससे देश की वेल्थ और पावर कुछ शक्तिशाली फैमिलीज के हाथों में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर छोटे मोटे बिजनेसमैन संघर्ष करते रहते हैं। करप्शन रैंकिंग में भारत 175 देशों में से 85वें स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया की रैंकिंग 96 है। यानी दोनों ही देशों को इनमें सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों दोनों देशों में कंपैरिजन करने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं इंडिया इस क्षेत्र में इंडोनेशिया से आगे है और ग्लोबल कंपनीज इंडिया को ज्यादा चूज कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडोनेशिया पीछे है। इंडोनेशिया में भी कई ग्लोबल कंपनीज अपनी रुचि दिखा रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज बना सकें।